मेंढक प्रिंस। एक महल में बादशाह अपनी बेटी शहजादी के साथ रहता था। वो बहुत खूबसूरत और दिल की अच्छी थी। बाबा, मुझे कोई अच्छा सा तोहफा चाहिए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास बहुत कीमती तोहफा है तुम्हारे लिए। बहुत कीमती सोने की चमकती गेंद है। ये लो मेरी प्यारी बेटी, उम्मीद है तुम्हें तोहफा पसंद आएगा। शुक्रिया, मुझे पसंद आया आपका तोहफा। शहजादी अपनी गेंद के साथ खेल रही थी कि वहीं करीब एक मेंढक उसे देख रहा था। मेंढक उसे देख के शहजादी के पास आ पहुंचा। प्यारी शहजादी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती बदसूरत मेंढक, जाओ यहाँ से। ये कहकर शहजादी फिर खेलने लगी, मगर देखते ही इसकी गेंद करीब कुएं में जा गिरी। शहजादी बहुत रोई कि उसकी कीमती गेंद उससे खो गई। करीब मेंढक ये माजरा देख रहा था और कहने लगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, गेंद लाकर दे सकता हूँ। शहजादी ने कहा कि मुझे मेरी गेंद हर हाल में चाहिए। मगर मेरी एक शर्त है, अगर आप मान जाओ मैं गेंद कुएं से निकाल लाऊंगा। क्या शर्त है तुम्हारी? मैं हर शर्त मानूंगी। ज्यादा लंबी चौड़ी शर्त नहीं, मुझे कोई पैसे या सोना नहीं चाहिए। मुझे बस आपके साथ दोस्ती करनी है। मुझे अपने साथ रखना होगा, एक प्लेट में खाना होगा और खेलना होगा, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। ये सुनते ही मेंढक कुएं में कूद के और शहजादी के सोने की गेंद बाहर निकाल लाया। ये शहजादी, तुम्हारी सोने की गेंद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वादे के मुताबिक मेंढक शहजादी के महल चल पड़ा। ये मेंढक अपने साथ खा ले आई। बाबा, ये छोटा सा मेंढक मेरा दोस्त है, इसने मेरी गेंद तलाश करने में मदद की है। सलाम अली जनाब, मैं आपकी खिदमत करूंगा। तुम अपनी जगह बैठकर खाना खाओ। नहीं शहजादी, मैं आपकी प्लेट में ही खाना खाऊंगा। उफ, मैं तंग पड़ गई हूँ हर वक्त साथ रहते। जी घिन आ रही तुमसे, चलो भागो यहाँ से। उससे में शहजादी ने मेंढक को धक्का दिया तो मेंढक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। शहजादी ने ये देखकर परेशान हो गई। शहजादी ने फौरन मेंढक उठाया और उसे गले लगा लिया। देखते ही एक जादुई चमक आई और मेंढक खूबसूरत नौजवान शहजादी में तब्दील हो गया। शहजादी ये सब देखकर हैरान रह गई और शहजादे से ये सब माजरा पूछा। मैं जादू के असर में था और आपने मुझे आजाद कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा जादुई असर? मैंने जंगल में तरफ काटे तो मुझे जंगल की मालिकानिश सजा दी और मुझे जादू से मेंढक बना दिया और कहा कि जब तक वो शहजादी तुम्हें मेंढक की सूरत पसंद नहीं करेगी तब तक तुम ठीक नहीं होगे। क्या शहजादी, आप शादी करेंगे मुझसे? हाँ, क्यों नहीं। बादशाह ने खुशी खुशी दोनों की शादी करवाई और हंसी खुशी रहने लगे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।